इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है और इस फैसले का सबने स्वागत भी किया है, चाहे स्टूडेंट्स हो या फिर उनके पेरेंट्स। सभी ने कोरोना के इस खतरे को देखते हुए मोदी सरकार के इस फैसले की सराहना की है, लेकिन सबकी जहन में बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब परीक्षा नहीं होगी तब ऐसे में रिजल्ट कैसे बनेगा। इस रिपोर्ट में हम आपकी इसी टेंशन को दूर करने वाले हैं और बताने जा रहे हैं कि सरकार ने इसके लिए क्या प्लान तैयार किया है। मेरे हिसाब से एग्जाम कैंसिल हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक भी हुआ है, गलत भी हुआ है। एक्चुअली हमारा मतलब इतना सारा प्रिपरेशन किया, वो भी वेस्ट गया है। मैं इस फैसले को सही मानती हूँ, क्योंकि सारे बच्चे अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए थे और एग्जाम्स होते तो फिर इन्फेक्शन ज्यादा होता। बहुत दुविधा की स्थिति थी, तो एक तरह से तो अच्छा ही हुआ कि कम से कम एक निर्णय हो गया कि अब एग्जाम नहीं हो रहे हैं। मैं सीबीएसई बोर्ड्स के कैंसिलेशन के डिसीजन से खुश हूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस कदम से कि बच्चों की परीक्षाएं ना ली जाएं सीबीएसई बोर्ड की, ये थोड़ी सी राहत की बात है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का रिएक्शन आपने देखा। छात्रों के चेहरों पर खुशी भी है और थोड़ा गम भी। जिन्होंने साल भर मेहनत की है उन्हें एग्जाम न होने का मलाल तो जरूर है, लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया कि पहले छात्रों की सेहत है, बाद में एग्जाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने की जानकारी शेयर की। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, भारत सरकार ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। काफी सोच विचार कर ये फैसला लिया गया है। स्टूडेंट्स का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा पहली प्राथमिकता है, जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर विचार के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर के अलावा सीबीएसई के चेयरमैन, स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी भी मौजूद थे। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की वजह से शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मीटिंग में शामिल नहीं हुए। आधा घंटा की मीटिंग में अफसरों की बातचीत सुनने के बाद ही पीएम मोदी ने एग्जाम कैंसिल करने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छात्रों का भविष्य जरूरी है। 12वीं का नतीजा बच्चों के भविष्य पर असर डालता है, लेकिन सेहत से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। स्टूडेंट्स की सेहत और सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स में बहुत चिंता है। इतने तनाव भरे माहौल में बच्चों को एग्जाम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सभी स्टेक होल्डर्स को स्टूडेंट्स के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। अब सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द तो हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर एग्जाम कैंसिल हो गए तो रिजल्ट कैसे बनेगा। इसका जवाब है 11वीं और 12वीं के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी पूरी जानकारी दी, साथ ही ये भी बताया कि स्टूडेंट्स को पिछली बार की तरह परीक्षा देने का विकल्प भी दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे वो बाद में एग्जाम देने का विकल्प चुन सकते हैं। कोई जोखिम ना उठाते हुए 12वीं की परीक्षा को रद्द किया है। इंटरनल असेसमेंट की आधार पे 11वीं और 12वीं दो जो पिछले दिनों में इंटरनल एग्जामिनेशन हुए हैं, उसकी असेसमेंट के आधार पे उनकी नतीजा आएगी। हायर एजुकेशन में उनको दाखिला देने के लिए पिछले साल जैसे सुविधा भी रहेगी और आगे चल के जब परिस्थिति नॉर्मल होगा कोई विद्यार्थी चाहे तो वो भी परीक्षा दे सकता है। सीबीएसई एग्जाम कैंसिल होने के बाद जहां छात्र और उनके पेरेंट्स रिजल्ट को लेकर टेंशन में हैं, तो परीक्षा रद्द होने के फैसले का हर ओर स्वागत हो रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी ने कोविड संक्रमण को लेकर सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया, ये देश के छात्रों की स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम है। सभी छात्रों और अभिभावकों की ओर से प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, 12वीं का एग्जाम रद्द होने पर मैं बहुत खुश हूं। हम सब अपने बच्चों की सुरक्षा और सेहत को लेकर काफी परेशान थे, ये एक बड़ी राहत की खबर है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार, छात्रों की सुरक्षा के लिए अच्छा कदम। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट किया,
बच्चों की सुरक्षा और उनकी सेहत को लेकर 12वीं की परीक्षा रद्द किया जाना सराहनीय कदम है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। सीबीएसई के तहत 12वीं क्लास में कुल 14 लाख बच्चे इनरोल हैं, लेकिन सीबीएसई के अलावा आईसीएसई और स्टेट बोर्ड्स को मिला दें तो कुल मिलाकर करीब 1.25 करोड़ स्टूडेंट्स इस साल 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले थे, लेकिन सीबीएसई का एग्जाम कैंसिल होने का असर दूसरे राज्यों के बोर्ड पर भी पड़ेगा। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विचार किया जा रहा है। संभव है कि इन राज्यों के साथ ही कई राज्यों में भी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए, जबकि हरियाणा में 12वीं की परीक्षा रद्द की जा चुकी है। इस मामले को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के मुताबिक यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कराने का फैसला कोरोना की स्थिति का आकलन करने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।